अपने से कम जगह में भी बाइक निकाल रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जा रहे हैं एक बाइक राइड पे जो वसई से 1 आवर के डिस्टेंस पे है। हम लोग को पहुँचते पहुँचते यहाँ पे 1.5 आवर से भी ज़्यादा लग गया बिकॉज हम लोग ब्रेक्स ले लेके स्नैकिंग करके बीच में आ रहे थे। एंड थोड़ी मस्ती भी थी कि पानी के पास से गुजरना है तो एक शॉर्टकट भी ले लिया, बट बाद में पता चल गया कि ये तो पूरा ही कच्चा रास्ता है। इट वॉज़ अ वेरी वेरी बैड रोड, तो वी हैड टू कम बैक टू द हाईवे। और वहाँ से हम लोग ने हाईवे के रास्ते से ये लोकेशन पे पहुँचे, लेकिन हम पहुँचे कहाँ है वो देखने के लिए तो आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई नेम इज़ एल जे एंड यू आर वॉचिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स। मॉर्निंग। एडवांटेजेस ऑफ बाइक, इतने ज्यादा ट्रैफिक में भी ऐसे रास्ते से बाइक निकाल लेते हैं तो मजा आता है। छोटे छोटे रास्तों से बाइक निकालना सच्ची में एकदम, इतने से कम जगह में भी बाइक निकाल रहा हूँ। चलो, और ये आंटी जी को बेचारी उतरना पड़ा बाइक से, और उनके पति या कोई वो आगे तक पहुंच गए। ही इज नॉट वेटिंग। हम लोग ने कम से कम आधा ट्रैफिक ऑलरेडी क्लियर कर दिया है और ये भाई साहब हमें रास्ता बता रहे वहां से यहाँ से। भला हो इस बंदे का, भाई रास्ता बता रहा है हमको। अरे धन्यवाद भाई रास्ता बताने। क्या ट्रैफिक को बीट किया है। लेफ्ट से ले लेते हैं। ओहो, और समझ में नहीं आ रहा है सुबह सुबह इतना ट्रैफिक है किस चीज का। लगता है एक्सीडेंट ही हुआ है। हाँ, पता चल जाता है कहाँ कहाँ से हम घूम घूम के रास्ते ढूंढ रहे हैं बाइक के लिए। एंड ट्रेजर हंट, लवीना बोल रही है हम ट्रेजर हंट खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। रास्ते के बीच में से निकाल रहे हैं गाड़ियाँ और यहाँ पे ये लोग सब बाहर खड़े, ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ट्रैफिक में। सो अच्छा हुआ हम लोग ने थोड़ा थोड़ा साइड से निकालने का ही कोशिश किया, वरना हम अभी भी अटक जाते हैं। ओए होए, फिर से छोटा सा रास्ता। बट अब ठीक है, अब मज़ा आ रहा है ऐसे बीच में से जाने के लिए। ठंड भी नहीं लग रही है और बीच में से जाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अब और कैसे हम इसको बीट कर सकते हैं। वो कैसे पैर हिलाते हुए चल रहा है। 70% तक ट्रैफिक को जो है बीट करते हुए आए और अब थोड़ी सी गाड़ियां जो है यहाँ पे आगे चल गई है। आगे 2 किलोमीटर बाद जो है हमको लेफ्ट लेना है। एक्चुअली हम लोग एक गलत टर्न ले लिए थे, रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था
अभी जो है हम लोग सुबह 10 मिनट हमने रिक्शे लेके जाए थी, डिटूर हो गया हमारा थोड़ा सा, अब हम हाईवे से ही वापस जा रहे हैं। और अभी हम वराई से लेफ्ट लेके निकल चुके हैं, जो हमारे साथ थे वो थोड़ा डिटूर हो गया था, वो बहुत आगे चले गए थे, बट अब फाइनली यहाँ पे आ गए। कोई नहीं, मैं और लवीना यहाँ पे मस्त रील के शॉट्स ले रहे थे और मैडम जी के थोड़े फोटोज़। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सीनिक है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ से, एंड तांदुलवाड़ी फोर्ट भी जब हम गए थे तो हम यही रोड से गए थे, एंड इट्स रियली अमेजिंग, मतलब बाइक राइडिंग के लिए तो बेस्ट है बेस्ट। अभी हम लोग पहुंच गए हमारे लोकेशन पे, ये लोकेशन को जंगली डैम बोलते हैं, जो सफाला के पास है। तांदुलवाड़ी का जो रोड है उसी वहीं से आ गया ना, तो वहाँ पे ये जंगली डैम करके है। जो लोकेशन है इस प्लेस का वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर, अदरवाइज यू कैन जस्ट सी द व्यू। यहाँ पे हार्डली कोई लोग है, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी साइलेंट पीसफुल प्लेस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप। तो देखिए ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम पीसफुल है, फुल ऑफ ग्रीनरी वाटर, एंड जेन्युइनली यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है, लाइक एज ऑफ नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 10, बट बिकॉज ऑफ द ट्रीज एंड ऑल I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I feel unable and so unworthy, my heart feels. I'm doing the best that I can right now.